गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग जंक्शन पर। और आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट के एक महत्वपूर्ण पेपर के बारे में, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का यह पेपर, जिसके अंतर्गत आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इस प्रकार से यह टोटल 75 अंक का, 75 मार्क्स का यह पेपर होगा। आइए हम नजर डालते हैं इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न टॉपिक्स के ऊपर। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी जो ये सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत, इसके नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर हमसे भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न बिंदुओं, विभिन्न मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला टॉपिक हमें सिलेबस में दिया गया है, उसमें बात की गई है फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि दोस्तों हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके सामने क्या समस्याएं हैं। दोस्तों, देश और दुनिया में जहां भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो देश एक इकाई के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न अलग अलग फीचर्स होते हैं, यानी कि उनकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके सामने कुछ समस्याएं होती हैं, तो उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात आती है इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है उसकी पॉलिसी क्या है। इसके बाद में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यानी कि भारत सरकार की या भारतीय अर्थव्यवस्था की औद्योगिक नीति के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वह है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में सोचा गया, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में बात की गई, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस, यानी कि इसका क्या महत्व रहा इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक प्लानिंग का इसके क्या उद्देश्य हैं और इसका अर्थ, इन सभी चीजों के बारे में हम विस्तार से इस पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगला आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज भारत 130 करोड़ का जनसंख्या वाला दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश चाइना के बाद भारत है। तो दोस्तों, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी दर जो बहुत तेज गति से जनसंख्या आज बढ़ रही है, उसका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट इसका इकोनॉमिक ग्रोथ पर, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की विकास दर है उस पर पड़ता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात आती है एग्रीकल्चर की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों, एग्रीकल्चर ये कह सकते हैं हम कि इंडियन इकोनॉमी की एक बोन के रूप में, बैकबोन के रूप में काम करती है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, एग्रीकल्चर का क्या महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसके बारे में यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और साथ ही सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, यानी कि जो एग्रीकल्चर को, भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसको वित्त की व्यवस्था करने की क्या क्या व्यवस्थाएं हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में की हुई है, कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फाइनेंस की व्यवस्थाएं करती हैं। और साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी कि जो प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके विपणन के लिए कौन कौन से उपाय, कौन कौन से टूल्स हमारी इंडियन इकोनॉमी में विद्यमान है, उनके बारे में हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये प्रमुख चार टॉपिक्स हैं जिसमें हमने सबसे पहले फीचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ यानी कि विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में एग्रीकल्चर जो मेन सेक्टर है उसके बारे में जानेंगे कि इसका फाइनेंस का सोर्स क्या है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है वह आता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दोस्तों, भारत की आजादी के बाद ही भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अनेक प्रयास किए गए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे कि भारत में
अब तक वर्तमान तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस प्रकार की रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इन्फ्लेशन। दोस्तों इन्फ्लेशन का हिंदी में या किताबी भाषा में अर्थ होता है मुद्रास्फीति, और जिसे हम सामान्य बोलचाल में कहते हैं महंगाई। तो दोस्तों महंगाई के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बारे में प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ना पूछा जाए, और खासतौर से जूनियर अकाउंटेंट जैसी एग्जाम्स में। तो दोस्तों इन्फ्लेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में इस सब्जेक्ट में शामिल किया गया है, और इसका एक प्रत्येक बिंदु को किस प्रकार से महंगाई बढ़ती है, कब महंगाई बढ़ने पर अन्य संस्थाओं के द्वारा, गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। इसके बाद में बात आती है पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों कोर ऑपरेटिव रूप से काम करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की हम बात करेंगे कि भारत का जो पब्लिक सेक्टर है वो कैसा है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके सामने समस्याएं हैं, उन सभी चीजों को इन डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद में बात आती है दोस्तों एलपीजी की। आपने सुना होगा एलपीजी के बारे में, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम सामान्य भाषा में कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। दोस्तों इन तीनों का विस्तृत कॉन्सेप्ट, विस्तृत समझ हम विकसित करेंगे जब हम एलपीजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इन तीनों चीजों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो पॉइंट आता है एमएनसीज इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ऐसी औद्योगिक घराने जिनका एक से अधिक देशों में अपना व्यापार है, वे सभी एमएनसीज कहलाती हैं। और दोस्तों इन एमएनसीज का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, किस प्रकार से यहाँ पर अपना बिजनेस कर रही हैं, और इनसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित होती है, इसके बारे में दोस्तों हम इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसके बाद में कुछ अन्य टॉपिक्स और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिनके बारे में सबसे पहला आता है फॉरेन ट्रेड, यानी कि भारत का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका वॉल्यूम, कंजम्पशन एंड डायरेक्शन, यानी कि उसकी दिशा क्या है, उसकी मात्रा क्या है, इन सभी चीजों के बारे में, और उसमें हम कितना कितना यूज हमारे जो फॉरेन ट्रेड है उसका इंडियन इकोनॉमी में किस प्रकार का रोल है, इस सब बातों की चर्चा भी हम फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। दोस्तों इस पूरे सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण और जहां से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह है नेशनल इनकम, यानी कि इंडियन इकोनॉमी की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को हम विस्तार से और बहुत ही सरल भाषा में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और इसके बाद में एक बात आती है कि जब हमने इंडियन इकोनॉमी की चर्चा की तो चूंकि ये एग्जाम जो है हम राजस्थान के विशेष संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की, और राजस्थान की इकोनॉमी के विभिन्न बिंदुओं को हम यहाँ पर विस्तार से हमारे अध्ययन के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और हमारे सिलेबस में एग्रीकल्चर, उद्योग और टूरिज्म, यानी कि कृषि, उद्योग और टूरिज्म के बारे में यहाँ पर बात की गई है, पर्यटन के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इन सभी चीजों को हम इंडियन इकोनॉमी इस विषय के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया यहाँ से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, कुल मिलाकर के जो सारे टॉपिक्स हैं ये हमें 75 नंबर में पूछे जाएंगे। और दोस्तों हमारा उद्देश्य रहेगा कि इन 75 नंबर में से हम अधिकाधिक मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी की क्या विशेषताएं हैं, इंडियन इकोनॉमी किन फीचर्स को लेकर के, किन प्रॉब्लम्स को लेकर के आज वर्तमान में है, और इसका जो विस्तार है किस प्रकार से इसका धीरे धीरे विकास हुआ, और आज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में क्या स्थान रखती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अपना जो अगला नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा वह ये रहेगा, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का फीचर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। We will discuss this point in our next class. तो दोस्तों बने रहिए लर्निंग जंक्शन के साथ में, और अपने मित्रों के साथ में, अपने साथी जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे हमारे इस कोर्स से जुड़ सकें और अपनी लर्निंग को एक बेटर डायरेक्शन दे सकें। धन्यवाद।